वेलकम व्यूअर्स, माई सेल्फ एस के पांडे, सी डब्ल्यू आई इलेक्ट्रिकल टीटीसी डीएलडब्ल्यू वाराणसी। टुडेज टॉपिक इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इन कंपैरिजन विथ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स एंड डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स तथा कंपेरिजन के साथ। इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा सीएलडब्ल्यू के द्वारा जो थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो बना था वह बेसिकली आईजीबीटी बेस्ड था, और डीएलडब्ल्यू ने जब उसको बनाया तो उसका निक नेम वरुण के नाम से था, जो लोको नंबर 30509 और गुड्स वर्जन में WAG9 जो 41000 लोको नंबर्स के साथ हम लोग मैन्युफैक्चर किए थे। राइट नाउ जो पावर सर्किट है उसके बारे में हम लोग इस पीपीटी में डिस्कशन करेंगे। तो पावर सप्लाई के पहले लोकोमोटिव्स के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में जरा देख लें, एक व्यू देख लें कि क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है। जैसे रूफ का इक्विपमेंट्स जिसमें कि पेंटोग्राफ, हाई वोल्टेज बुशिंग, वीसीबी, एटीसी है। इसके बाद प्रोपल्शन सिस्टम है जिसमें लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर जिसे SR1, SR2, इसके बाद ऑक्सिलरी कन्वर्टर, HB1, HB2 क्यूबिकल ऑक्सिलरी सर्किट और क्यूबिकल कंट्रोल सर्किट SB1, SB2 होटल लोड कन्वर्टर जो दो नंबर लगता है। इसके बाद मेन ट्रांसफार्मर जो अंडर स्लैंग है, ट्रैक्शन मोटर, फिल्टर ब्लॉक, थ्री फेज ऑक्सिलरी मोटर्स एंड सिंगल फेज ऑक्सिलरी मोटर्स, इसके साथ ड्राइवर डिस्क पैनल्स ACDEF एंड B पैनल्स, ऑटो लोड कन्वर्टर क्योंकि WAP7 के अंदर प्रोविजन किया गया है, गुड्स वर्जन में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो एक सामने जो पीपीटी है इसमें बेसिकली कंपोनेंट्स के या डिवाइसेस का जो पोजीशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हम WAP7 और WAG9 को ध्यान से देखें तो मशीन रूम 1 में WAG9 में HB1 के बाद SB1, BR1 और बाकी सारी डिवाइसेज होती हैं, और मशीन रूम 2 में उसी तरह से HB2, SB2 और BR2 रहता है, इसके बाद सारी डिवाइसेज रहती हैं। लेकिन WAP7 में HB1 और HB2 का पोजीशन चेंज हो जाता है, यानी मशीन रूम 1 में जो WAG9 में HB1 था वो अब WAP7 में वह मशीन रूम 2 में चला जाता है, और उसी तरह से HB2 की भी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो दो मेजर चेंजेस है WAP7 और WAG9 में। वह है कि WAP7 में होटल लोड कन्वर्टर यूज होता है दो नंबर, और WAG9 में होटल लोड का कोई प्रोविजन नहीं होता। दूसरा चीज कि HB1 और HB2 जो क्यूबिकल ऑक्सिलरी सर्किट है इसकी पोजीशनिंग शिफ्ट हो जाती है। WAG9 में जो पोजीशन है वह चेंज होकर के WAP7 में वह इंटरचेंज हो जाती है, यानी HB1 मशीन रूम 2 में और HB2 मशीन रूम 1 में प्लेस्ड रहता है। अभी जो पीपीटी है इसमें किस तरह से पावर हमारे ड्राइव एंड पे जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पैंटोग्राफ हमारा जो है जिसको हम सर्वो मोटर से एनर्जाइज करके OHE के कैटेनरी वायर के साथ जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो वह पावर हमारा VCB के थ्रू यह ट्रांसफार्मर के मेन बुशिंग पे आ जाता है जो 1U और 1B के नाम से जाना जाता है। यह जो हमारा मेन वाइंडिंग है इसके द्वारा हम अर्थिंग चोक होते हुए इसको ग्राउंडिंग या प्रोटेक्टिव अर्थिंग करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो प्राइमरी साइड में हमारा जो टर्मिनल है 1U और 1B, इसके साथ ही जो एक हमारी हार्मोनिक फिल्टर वाइंडिंग होती है जो 2UF और 2VF के बुशिंग से होती है। बेसिकली जब स्विचिंग कई बार होता है खास करके लोकोमोटिव्स के एनर्जाइजेशन के तौर पे, तो यह जो रिपल्स इसके अंदर या सर्ज डेवलप होते हैं उसको सुप्रेस करने के लिए यह हमारी हार्मोनिक फिल्टर वाइंडिंग काम में आती है। इसके साथ ये जो चार वाइंडिंग दिखाई पड़ रही है ये बेसिकली ट्रैक्शन साइड की वाइंडिंग्स है, और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। इसके अलावा
क्योंकि ये WAG9 का स्कीमेटिक है, तो इसमें ऑटो लोड की वाइंडिंग को नहीं दिखाया गया है। इस तरह से हम यह पोर्शन देखें तो हमारा फिल्टर ब्लॉक का है, बेसिकली रजिस्टर और कैपेसिटर का बैंक है जो स्विचिंग ऑन ऑफ करने के दौरान जितने भी सर्जेस डेवलप हुए उनको सुप्रेस कर देता है। इस तरह से हमारा ये पावर OHE के सिंगल फेज 25 kV 50 Hz को कन्वर्टर के थ्रू हम 3 फेज सिनोसॉइडल AC वोल्टेज में कन्वर्ट करके ड्राइविंग एंड पर हम ट्रैक्शन मोटर को देते हैं और पावर का चैनलाइज करते हैं। यही पावर जो है कैसे ट्रांसमिट हो रहा है इसको एक अलग से PPT में दिखाया गया है, और वाइंडिंग कैसे हमारी ट्रांसफार्मर की कनेक्ट होती है और क्या क्या उसके बुशिंग्स हैं उसको दिखाया गया है। यदि हम पेंटो को जब कॉन्टेक्ट करा देते हैं OHE से, तो सीधे हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअली OHE वोल्टेज को 250 वोल्ट AC के करस्पॉन्डिंग जो है कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी साइड में, और उससे जो है हम वोल्टेज का एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैब के अंदर क्यू मीटर पर रीड कर लेते हैं कि हमारा OHE वोल्टेज कितना है। तो इस तरह से हमारा पेंटो का कांटेक्ट होना सीधे सीधे कैब के लगे हुए क्यू मीटर के द्वारा इंश्योर हो जाता है कि हाँ हमारा पेंटो कांटेक्ट किया है या नहीं किया है। इसके बाद हम ये जो एक सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं इसको VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसको एनर्जाइज करने के लिए यानी कांटेक्ट कराने के लिए कैब के अंदर ए मीटर पे ए पैनल पे एक स्विच होता है जिसे हम BLDJ कहते हैं। जब सारी कंडीशन फुलफिल में हो जाती हैं तो हम उस स्विच के थ्रू इसको क्लोज कराते हैं। जैसे ही क्लोज होता है हमारा OHE से पावर ट्रांसफार्मर की मेन बुशिंग जिसको 1U1V के नाम से जानते हैं ये पावर आ जाता है, और इंडक्शन के द्वारा सेकेंडरी साइड में जो हमारी ट्रैक्शन वाइंडिंग है SR1 से 2 ट्रैक्शन वाइंडिंग और SR2 से 2 ट्रैक्शन वाइंडिंग यह अटैच हो जाती है यानी कंटेक्ट हो जाता है। यदि कन्वर्टर को देखा जाए तो बेसिकली लाइन कन्वर्टर जो है इसके अंदर हमारा जो सिंगल फेज है वह DC हम बनाते हैं, फिर उसको DC लिंक पर देते हैं जहाँ पर यह स्मूथ हो जाता है, इसमें कोई रिपल फैक्टर्स नहीं रहता या AC कंपोनेंट्स हट जाते हैं, और फिर अगेन हम इस DC प्योर से 3 फेज AC यानी सिनुसॉइडल प्राप्त करते हैं और उसको हम ट्रैक्शन मोटर पे फीड कर देते हैं। तो जो हमारा कन्वर्टर का आउटपुट मिलता है वह यदि देखा जाए तो 2180 वोल्ट और 360 एम्स मैक्सिमम होता है। ये दोनों कन्वर्टर 100% एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो SR1 के साइड पर हमारा जो ट्रैक्शन वाइंडिंग का बुशिंग होता है वह 2U1 2V1 और 2U4 2V4 से हम कंटेक्ट उसको कनेक्ट करते हैं, और SR2 के लिए 2U2 2V2 और 2U4 2V4 हमारा ये बुशिंग का ट्रांसफार्मर के बुशिंग का नॉमेनक्लेचर है, और वह पावर ट्रैक्शन मोटर की तरफ जिस तरह से ड्राइवर कंट्रोल के द्वारा थ्रॉटलिंग करता है पावर ट्रांसमिट होता रहता है। एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जिसके द्वारा हम लोकोमोटिव्स के मशीन रूम में जितने भी ऑक्सिलरी मोटर हैं 12 जो हमारी ऑक्सिलरी है और इसके अलावा सिंगल फेज मोटर्स वो सारे को पावर ये देता है। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर से हम जिसको हम बर 1 भी कहते हैं OCB1 OCB2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से TMB1 TMB2 यानी ट्रैक्शन मोटर का ब्लोअर, फिर ट्रांसफार्मर का पंप 1-2 दोनों कन्वर्टर का 1-2 ये जो हमारा पंप है उसके जो है सप्लाई करता है, और कन्वर्टर 3 से यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से मेन कंप्रेसर 1-2 और स्क्वेंजर ब्लोअर 1-2 और बैटरी चार्जर। तो ये दो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 बेसिकली एक ही क्यूबिकल में होते हैं जिसे हम ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 कहते हैं। इसके अलावा एक ऑटो लोड की वाइंडिंग होती है जो 750 वोल्ट और पे पावर जो है ऑटो लोड की जो आउटपुट पावर होती है वो 750 वोल्ट 750 kVA की होती है, जो 10 सर्विस रिक्वायरमेंट जैसे AC कोचेज का एयर कंडीशनिंग फिर वाटर लिफ्टिंग एंड लाइटिंग इत्यादि में हम इसका यूज करते हैं। तो यह हमारा बेसिक पावर सर्किट फ्लो डायग्राम है। हम
यदि देखें तो ट्रैक्शन कन्वर्टर बेसिकली हमारा जो है हार्ट है लोकोमोटिव्स का। यह शुरू में तो जीटीओ बेस्ड था। जीटीओ की कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे इसमें पावर लॉस ज़्यादा होता था, लिमिटिंग ऑपरेशनल होते थे स्विचिंग ऑन ऑफ के, और इस नंबर सर्किट के चलते जो है यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था। वो सारे को हम आईजीबीटी में आईजीबीटी बेस्ड स्विच का उपयोग करके हम इसको रिमूव कर दिए हैं। तो लाइन कन्वर्टर कंप्यूटर जो होता है, इस लाइन कन्वर्टर यानी जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है, इसमें बेसिकली जो कंप्यूटर है वो ट्रैक्शन वोल्टेज को भी मॉनिटर करता है, यानी यदि अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज है तो लोकोमोटिव को शट डाउन करा देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अंडर वोल्टेज यदि हमारा 16.5 केवी से लेस हो गया तो उस समय लाइन कन्वर्टर कंप्यूटर जो है सिग्नलिंग के द्वारा, या दूसरे शब्दों में यह लोगों को आइडल मोड में कर देता है। ओवर वोल्टेज में हम देखते हैं कि जैसे ही यह वोल्टेज एक्सीड करता है 30 केवी से, यानी 31 केवी की तरफ जाता है, उस कंडीशन में भी लाइन कन्वर्टर कंप्यूटर जो है वीसीबी को ट्रिप करा देता है और लोगों को आइडल मोड में आ जाता है। यानी प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है, इस तरह से हम देखें कि किस तरह ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज के कमांड को भी हमारे कैब के अंदर भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यह 250 वोल्ट एसी का रेटेड है प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और इसके जो सिग्नल होते हैं वो बेसिकली तीन जगह जाते हैं, यानी जो हमारा लाइन कन्वर्टर है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को जाते हैं, जहाँ पे वो अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज को, वह इसी के करस्पॉन्डिंग देखते हुए लोगों को शट डाउन या आइडल मोड में करता है। यदि दूसरे शब्दों में देखें तो कैटेनरी वोल्टमीटर जो यू मीटर के नाम से जानते हैं कैब में लगा होता है, वहां पे यह 10 वोल्ट डीसी के द्वारा उस वोल्टेज को रिफ्लेक्ट कराता है। और तीसरा जो है इसका सिग्नल जाता है मिनिमम वोल्टेज रिले को। ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो डिसाइड करती है कि यदि मिनिमम वोल्टेज है तो क्या होना चाहिए, यानी लोगों के शट डाउन को एक तरह से डिसाइड कराती है। तो जब पेंटो को रेज किया जाता है तो यह पोटेंशियल यानी प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर सीधे सीधे यू मीटर से कनेक्टेड रहता है, इसलिए जैसे ही पेंटो कॉन्टेक्ट होगा तुरंत कैब में पता चल जाएगा कि हाँ पेंटो कॉन्टेक्ट किया या नहीं किया। अब चूंकि हमारा पावर ओएचई का जो बीसीबी होते हुए ट्रांसफार्मर पर आया, तो उसके कौन कौन वाइंडिंग क्या क्या रेटिंग्स है उसके बारे में एक ओवरव्यू देख लिया जाए। तो चूंकि ट्रैक्शन साइड में 4 सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है जो 1269 वोल्ट पे रेटेड होती है, और एक ऑगली वाइंडिंग होती है जो कि 1000 वोल्ट पे होती है, हार्मोनिक फिल्टर 1154 वोल्ट पे है, और एक वाइंडिंग होती है जो 2 होटल लोड को सप्लाई करती है, और यह 960 वोल्ट पे आपको ये करती है, सप्लाई करती है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का कोर वाइंडिंग का जो वेट होता है 5900, इसमें ऑयल जो होता है 1800 केजी, इस तरह टोटल वेट इसका है 9900, यानी 10,000 के अप्रॉक्स जो है इसका वेट होता है। अब हम देखें कि चूंकि दो सर्किट में हमारा पावर जो है मूव करता है, सप्लाई होता है ट्रैक्शन मोटर्स की तरफ। ट्रैक्शन मोटर को 2 ग्रुप में बांटा गया है, TM1, 2, 3 और TM4, 5, 6। तो 2 कन्वर्टर होते हैं, SR1 से हम 1, 2, 3 के ग्रुप को देते हैं और SR2 से 4, 5, 6 के ग्रुप को देते हैं, और हमारी जो मोटर होती है वो 3-phase असिंक्रोनस मोटर होती है। लाइन कन्वर्टर जो है इंटरफेस करता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी ट्रैक्शन वाइंडिंग और डीसी लिंक के बीच में। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर्स हमारा प्रोपल्शन सिस्टम में भी काम करता है और ब्रेकिंग मोड में भी काम करता है। इस तरह से हम देखें तो ट्रैक्शन कन्वर्टर जो है करंट को कैटेनरी से टीएम की तरफ प्रोपल्शन में सप्लाई कराता है, और जब वह ब्रेकिंग मोड में होता है तो 3-phase पावर को कन्वर्ट करके सिंगल फेज पावर में ट्रांसफार्मर को देता है, फिर ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करके वही चीज को सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से हमारा पावर जो है मोटर की तरफ, और मोटर से जब ब्रेकिंग मोड में जाते हैं तो ओएचई की तरफ मूव करता है। यह बुशिंग है जिसके द्वारा SR1 और SR2 को कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग होती है जिसके थ्रू हम मेन कन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं। ईच ट्रैक्शन कन्वर्टर जो होता है सिंगल फेज 25 केवी सप्लाई को 3-phase एसी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, जो 2180
और फ्रीक्वेंसी जो होती है 65 टू 132 हर्ट्ज के बीच में होती है। जब हम ब्रेकिंग मोड में करते हैं तो वही बात आती है कि वह जो आपका थ्री फेज पावर है वह सिंगल फेज में करके ट्रांसफार्मर को देता है और फिर अगेन ट्रांसफार्मर उसको OHE को स्टेप अप करके देता है। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर्स कंडक्ट करेंट फ्रॉम द कैटेनरी टू द टीएम्स प्रोवाइड प्रोपल्शन, और ब्रेकिंग मोड में इट एक्ट्स लाइक गिविंग द पावर फ्रॉम ट्रैक्शन मोटर थ्री फेज कन्वर्टिंग इट इन टू सिंगल फेज एंड अगेन फिर टू OHE। लाइन कन्वर्टर जो होता है सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो IGBT बेस्ड होता है, इसमें डीसी लिंक कंसिस्ट्स जो होती है, डीसी लिंक जो होती है वह 100 हर्ट्ज रिजोनेंट फिल्टर पे होती है। इसके अलावा इसमें अर्थिंग स्विच, अर्थ लीकेज डिटेक्शन सर्किट, डीसी लिंक कैपेसिटर, बैंक होता है, ब्रेक चॉपर होता है जो बेसिकली ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करता है, और मोटर ड्राइव कन्वर्टर बेसिकली थ्री फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर होता है। यह जो प्योर डीसी लिंक का हमारा पावर होता है उसको यह थ्री फेज में करता है, और एक्टिव हमारी जो स्विचिंग डिवाइस होती है IGBT। द ट्रैक्शन कन्वर्टर हैव देयर ओन ट्रैक्शन कंप्यूटर्स व्हिच कंट्रोल्स एंड प्रोटेक्ट द कन्वर्टर एज वेल एज कम्युनिकेट विद द व्हीकल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रू कैन इंटरफेस और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। यानी जो हमारा लोकोमोटिव्स का बेसिक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो VCU के नाम से जानते हैं, वह जो है SV1 में है, उसके साथ भी इसका इंटरफेस होता है, और अपने खुद का इसका अपना एक प्रोटेक्शन होता है, और आपस में भी कम्युनिकेट मेन इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं। इस तरह से हमारा मेन कन्वर्टर जो है सिंगल फेज AC पावर को DC मोड में चेंज करते हुए फिर अगेन इन्वर्ट करके वह पावर को प्रोपल्शन सिस्टम में देता है। हम लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर के मेन पार्ट्स को देखें तो बेसिकली क्या है कि हमारा इसमें LTC जो है लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर है, बेसिकली 3000 KVA का, जिसका नॉमिनल इनपुट वोल्टेज है 1269 वोल्ट RMS, जो 863 वोल्ट RMS से 1523 वोल्ट RMS, और यह आउटपुट देता है 2180 वोल्ट RMS जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 150 हर्ट्ज, और बोथ LTC जो होते हैं 100% रिप्लेसेबल होते हैं, इसमें किसी का किसी भी जगह प्रयोग किया जा सकता है। ऑक्सिलरी सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चूंकि पावर मेरा जो है प्रोपल्शन सिस्टम में मोटरिंग के वाइस हो गया है, यानी हमारी मोटर जो है पावर के द्वारा ड्राइविंग मोड में आ गई है, तो उन सारे सिस्टम्स को कूलिंग करने के लिए लोकोमोटिव्स के अंदर प्रॉपर हमारा वेंटिलेशन रहा है, मशीन रूम ब्लोअर, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, स्क्वेंजर ब्लोअर, ये सारी जो हमारी ऑक्सिलरीज है उसके लिए ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है। यह ऑक्सिलरी कन्वर्टर बेसिकली 3 नंबर होता है, लेकिन 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर AC2 एंड AC3 को एक क्यूबिकल में रखते हैं, और इस तरह से 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर आपको फिजिकली दिखाई पड़ेंगे। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर को 1000 वोल्ट AC सप्लाई होती है, और यह जो है थ्री फेज 415 वोल्ट में कन्वर्ट करके 12 ऑक्सिलरीज को और बैटरी चार्जर को फीड करता है। इनको हम AC1, AC2 एंड AC3 या बर्वन बर्टू के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा चूंकि बार बार ऑन ऑफ करने से जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सर्ज डेवलप हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल, उसको सुप्रेस करने के लिए हार्मोनिक फिल्टर होता है। हार्मोनिक फिल्टर में बेसिकली रेजिस्टर और कैपेसिटर का बैंक होता है, और यह किसी भी जो अनवांटेड या इस स्विचिंग ऑन ऑफ के चलते जो हमारे पल्सेज इलेक्ट्रिकल जनरेट हुए हैं सर्ज के तौर पे, उसको यह सुप्रेस करता है। यदि किसी तरह का फॉल्ट आता है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इसको ऑटोमेटिकली लोकोमोटिव की स्पीड को 40 KMPH पे करके आगे का काम लोको मोशन में तैयारी कराती है। तो हार्मोनिक फिल्टर बेसिकली हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा हुए जितने भी सर्ज हैं उनको यह सुप्रेस या रिड्यूस करती है। इसके अलावा हमारे लोकोमोटिव में चूंकि कंट्रोल सर्किट को और MCBs को जो पावर सप्लाई रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड होती है वो बैटरी के थ्रू होती है। इसमें जो बैटरी होती है वो निकिल कैडियम की बैटरी होती है। टोटल जो है 78 सेल्स होते हैं, और नंबर ऑफ बैटरी जो होती है वो लगभग 13 होती है। नंबर ऑफ बैटरी बॉक्स 2 होते हैं,
इस तरह से दो ग्रुप बनता है बैटरी का, और यह बैटरी की जो हमारी कैपेसिटी होती है वन, यदि हम WDP 4D में देखें तो उसमें हमारी 10 निकल कैड की बैटरीज होती है, और पर बैटरी 5 सेल्स होते हैं यानी 50 सेल्स होते हैं, और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 72 के अक्रॉस आती है। तो इस तरह से हमारा बैटरी का दोनों का एक डिफरेंस है। अब हम जो है व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि SB1 SB2 के अंदर यह प्लेस्ड होता है। इसका जो है SB1 के अंदर का जो VCU होता है उसको हम मेन कंप्यूटर यानी मास्टर कंप्यूटर कहते हैं, और जो VCU SB2 के अंदर होता है उसे स्लेव कहते हैं। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ओवरऑल कंट्रोल होती है लोकोमोटिव के फीचर्स का, और यह एक तरह से इंटेलिजेंट इंटरफेस होता है वेरियस सिस्टम्स जो लोकोमोटिव्स में होते हैं। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन। जब हम मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन करते हैं तो UIC केबल के थ्रू, कपलर के थ्रू, यह दोनों लोकोमोटिव्स को आपस में कम्युनिकेट करा करके कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ VCU, VCU का जो फंक्शन होता है वह है कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, कंट्रोल स्टैंड इंटीग्रेशन, ब्रेक सिस्टम इंटीग्रेशन, ट्रैक्शन कन्वर्टर इंटरफेस, ऑक्सिलरी कन्वर्टर इंटरफेस, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, इवेंट रिकॉर्डिंग एंड एनर्जी मॉनिटरिंग, यूजर सेटेबल पैरामीटर्स, फॉल्ट फॉल्ट स्टोरिंग एंड डाउनलोडिंग। इसके बाद जो आता है जो मेरा प्रोपल्शन सिस्टम का एक होटो लोड का कॉन्सेप्ट WAP7 में है, यह कॉन्सेप्ट WDP4D में भी है, लेकिन होटो लोड कॉन्सेप्ट बेसिकली जब IGBT बेस्ड कन्वर्टर यूज हुआ तो काफी चीजें जो है लोकोमोटिव से हट गई, या उनकी जो साइज है वो कम हो गया, हटने का प्रोविजन नहीं, साइज कम हो जाने के चलते WAP7 जो है होटल लोड कन्वर्टर के द्वारा इक्विप्ड हो गया। तो पावर ट्रांस जो इसमें मिलता है वह होटल लोड वाइंडिंग से मिलता है, और ट्रांसफार्मर के अंदर जो होटल लोड वाइंडिंग है वह 945 KVA के इस होटल लोड को नॉमिनल वोल्टेज 750 वोल्ट पे सिंगल फेज के तौर पर मिलता है। तो 750 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई होटल लोड वाइंडिंग से जब मिलती है तो यह कन्वर्टर इसको 750 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोड पर यह वेरिएबल वोल्टेज पर यह देता है। कन्वर्टर का जो आउटपुट है इसका हम यूज करते हैं जैसे लाइटिंग है, फैंस है, एयर कंडीशनिंग है, वाटर रेजिंग अपरेटस है, और पेंटी कार के कोचेज एंड द पेंटी कार वाटर रेजिंग अपरेटस ऑफ द कोचेज एंड द पेंटी कार इक्विपमेंट, यानी इन सारे कोचेज और पेंटी कार के लाइटिंग, फैंस, एयर कंडीशनिंग, वाटर रेजिंग अपरेटस को एनर्जी सप्लाई कराते हैं। राजधानी शताब्दी रेक जो होता है, चूंकि HUG पावर सप्लाई स्कीम से होता है तो होटल रोड के कॉन्सेप्ट से हम इसका कमर्शियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई फर्दर आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी मेरिट क्या है होटल रोड में कि एयर या नॉइज पोल्यूशन जो है नहीं रहता है, इसकी जो रिलायबिलिटी है वह काफी उम्दा होती है, सेल्फ जनरेशन या एंड ऑन जनरेशन कुछ के बतौर, इस तरह से यह जो है नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स को रिड्यूस कर देती है, इसका जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होता है वो काफी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो कोचेज के अंदर लगने वाले अल्टरनेटर या जो हमारी मोटर्स है वो बिल्कुल वो हो जाती है, उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। तो इस तरह से रिड्यूस्ड डेड वेट एज कम्पेयर टू SE एंड EOG सिस्टम। मेरिट्स क्या है इसका कि पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अंडर स्लंग इक्विपमेंट, जो कि लाइक अल्टरनेटर या बैटरी कन्वेंशनल कोच में जो हम लोग यूज किए, वन सेट ऑफ डीजल अल्टरनेटर विल नॉट बी रिक्वायर्ड, अदर सेट वुड बी रिक्वायर्ड ओनली एज स्टैंड बाई मोड। तो एक डीए सेट जो है हट जाता है और हम उसका जो है कमर्शियल यूज कर लेते हैं। अब हम कैब के अंदर लगने वाले डिफरेंट पैनल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि लोकोमोटिव्स को एनर्जाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। ये देखें तो ये पैनल
बी है बेसिकली, पैनल बी जो होता है गेजेज होते हैं, ये गेजेज हमारे जो होते हैं प्रेशर ब्रेक सिलेंडर 1-2, प्रेशर ब्रेक फीड पाइप, मेन रिजर्वायर, एयर फ्लो मीटर, प्रेशर ब्रेक पाइप। तो इस तरह से हमारा ये जो है बीपी गेज का चित्रण करता है। इसके बाद हमारा आता है पैनल ए। पैनल ए में जो होता है हम देखें तो पैनल ए में आप ये लगा हुआ है आपका यूबीए, जो है लैंप्स होते हैं, जैसे लैंप्स में एलएसडीजे जो यदि हमारा बीसीबी ओपन रहता है तो यह जलत रेड कलर में जलता है। इसके अलावा एलएसएचओ है, एलएसपी है, एलएसएफ है, इसके अलावा एलएससी है, और एक बीएल की का जो है स्लॉट होता है। इसके अलावा कई स्प्रिंग लोडेड स्विच हैं, जैसे जेडपीटी है, बीएलडीजे है, और कुछ स्विचेज हैं जो प्रेशर टाइप के होते हैं। इसके बाद इमरजेंसी कट स्टॉप वाला हमारा एक स्विच होता है। तो पैनल ए में बेसिकली हमारे मीटर्स और स्विचेज तथा लैंप्स होते हैं। इसके बाद पैनल सी आता है। पैनल सी में हमारा डीडीएस यानी ड्राइवर डिस्प्ले स्क्रीन, और इसके अलावा इस पर भी कुछ हमारे लैंप्स होते हैं। और लैंप्स में हमारे जैसे आपका बीपीसीए, एलएसआर, और इसके अलावा स्विचेज में हमारा जेडएलसी, जेडएलएफ, जेडएलडीओ और बजर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सी में हमारे स्विचेज एंड लैंप्स होते हैं, स्क्रीन होती है। पैनल डी में हमारा क्या होता है कि असिस्टेंट ड्राइवर डेस्क लैंप होता है। स्विचेज के तौर पर हम देखें तो जेडएलडीए है, और एक सॉकेट होता है जो 110 वोल्ट का होता है, और इस तरह से 110 वोल्ट सॉकेट ऑन ऑफ बटन भी एक होता है। तो इस तरह डी से हमारा, क्योंकि एक छोटा सा पैनल है बेसिकली, ये 110 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए यह एक सॉकेट भी प्रदान करता है। पैनल एफ होता है जो कि दोनों कैब में लगता है, पैनल एफ1 कैब 1 के लिए, पैनल एफ2 कैब 2 के लिए। यह बेसिकली इंटरफेस प्रदान करता है बीएल बॉक्स एंड SB1 या SB2 के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करता है। तो यह इस तरह से हमारे कैब के अंदर पैनल्स होते हैं और एनर्जाइज करने के समय काम आते हैं। अब हम थ्री फेज लोकोमोटिव का एनर्जाइजेशन देखेंगे कि किस तरह किया जाता है। तो बेसिकली थ्री कीज होती है बीएल की, IG38। सर्वप्रथम हम लोकोमोटिव में SB2 पे जाते हैं और दो MCB 112.1 और 110। बेसिकली 112.1 जो है हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और 110 जो नंबर है वो बैटरी चार्जिंग या बैटरी वोल्टेज के लिए है। जब दोनों को हम ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब कि हमारी सप्लाई डिफरेंट इंटरफेस पे यानी कैब के अंदर हमारे पैनल्स पे आ गई, उधर SB1 SB2 के कॉन्टेक्टर्स या MCB पर चली गई। तो इस तरह से वह पावर बैटरी का चला जाता है। इसके बाद हम जो है A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में प्लेस करते हैं और डीमर को रन पे रखते हैं। BL की को जब हम स्लॉट में लगाते हैं तो ऑफ पोजीशन से डी पर करते हैं। जैसे ही करते हैं BL की को डी पोजीशन पर, हमारी जो DDS स्क्रीन है ग्लो करती है, बैटरी वोल्ट जो है शो करता है यानी UVA 110 वोल्ट करता है, LSDJ लैंप ग्लो करने लगती है। यदि एयर प्रेशर लेस है, स्मॉल है, कम है तो CP ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू करती है और हमें एक मैसेज ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रन प्लीज वेट का स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। 20 सेकंड का सेफ लोड टेस्ट होता है। इस दौरान जो है लैंप बुझेंगी जलेंगी। TB मीटर जो होता है वह ऊपर नीचे होकर के 0 पर सेट हो जाता है। फ्लैशर लाइट जलती बुझती है। इसके बाद स्क्रीन पर नोड FLG504 अपीयर होता है और इसके आने के बाद ही हम JPT स्विच को डाउन में ला करके छोड़ देते हैं, यानी प्रेस करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। यदि प्रेशर हमारा कम है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है और पैंटो जो है रियर पैंटो ऊपर उठता है। यू मीटर के द्वारा बैटरी वोल्टेज OHE वोल्टेज दिखाई पड़ने लगता है। इसके बाद FLG नोड 550 स्क्रीन पर अपीयर होता है। अब हम BLDJ यानी जो हमारा स्विच है BCB को क्लोज करने का
उसको प्रेस करके हम छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं LSDJ लैंप जो है ऑफ होता है और जितनी भी ऑग्यूलरीज हैं ऑटोमेटिकली हमारी शुरू हो जाती हैं। अब हम BLCP स्विच को ऑटो पोजीशन में इंश्योर कर लेते हैं। ये इसके बाद हमारा जो है 570 का नोड आता है स्क्रीन पर। उसके बाद हम रिवर्सल हैंडल को या फिर आर्म में तब करते हैं जब हमारा प्रेशर MR का 6.4 kg होता है। यदि कम होगा तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट दिखाई पड़ने लगा। इसलिए हम जब 6.5 का जब तक प्रेशर ना आए तब तक एफ आर में नहीं रखेंगे। रिलीज करते हैं पार्किंग ब्रेक को। इसके लिए BPPV हमारा प्रेसिंग एक स्विच होता है जो A मीटर पर आता है और जैसे ही करते हैं लैंप BPFE जो है ग्लो ऑफ हो जाता है यानी बुझ जाता है और BP जो है 6 kg का प्रेशर शो करता है। और जब तक 5 kg प्रेशर इंश्योर ना हो जाए तब तक हम थ्रॉटल को पी पोजीशन में नहीं रखते। इसके बाद नोड 590 दिखाई पड़ता है स्क्रीन पर। अब हम सेल्फ लो टेस्ट लो को फॉर ब्रेक करते हैं और इन सारे के बाद हम हमारा लो को चलने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। अब हम देखें WDP-4D में। WDP-4D यदि बेसिकली देखा जाए तो GT-46 मैक का ही एक रिवाइज वर्जन है जिसमें ड्यूअल कैब का यूज किया गया है। हम इस PPT में डिफरेंट इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं उसके बारे में ओवरव्यू करेंगे। जैसे हमारा एक कैब है इसके जस्ट ECC-1 है, ये हाई वोल्टेज कैबिनेट के नाम से जाते हैं। इसके बाद इसमें भी ट्रैक्शन कन्वर्टर कंट्रोल कन्वर्टर है और इसके साथ जो हमारा अंडर स्लंग है ECC-2 राइट साइड में, इसके बाद ECC-3 राइट साइड में है और रेडिएटर कूलिंग फैन ऑगिली जनरेटर अल्टरनेटर। इस तरह से डिफरेंट आइटम्स का लोकेशन इसमें दिखाया गया है। यदि एनर्जी कन्वर्जन देखें तो केमिकल एनर्जी यानी जो हमारा डीजल फ्यूल है वह कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में बाय डीजल इंजन जो कि 16 सिलेंडर 710 G3B सीरीज का है, 2 स्ट्रोक का है जिसका RPM 200 से 954 होता है। यह 0 से 8 नॉस के बीच में होता है। यह सीधे कपल्ड होता है मेन जनरेटर से और ऑक्सिलरी जनरेटर से। तो इस तरह से मेन जनरेटर जो है पावर डिलीवर करता है और उस पावर को TCC के थ्रू 3 फेज फॉर्म में हम मोटर को प्रदान करते हैं। और हमारी मोटर जो होती है वो 3 फेज असिंक्रोनस है जिसकी कंटिन्यूस करंट रेटिंग है 200 एम्पियर 4 पोल की मोटर है। यह बेसिक पावर फ्लो डायग्राम है जो हमारा डीजल इंजन में है। यदि हम इस डीजल इंजन को देखें तो इसे डायरेक्ट हमारा कपोल्ड है मेन कंप्रेसर या गियर ड्राइव है जो डायरेक्टली इसे कनेक्ट है। इसके अलावा मेन अल्टरनेटर इसे कनेक्ट है और ऑगिली जनरेटर हमारा जो है इसे कनेक्ट है और CM ब्लोअर हमारा इसे कनेक्ट है यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसमें होता क्या है कि ऑगिली जनरेटर जो है हमारा यह 18 kW का है। बेसिकली यह काम करता है, ये ब्रशलेस मोटर है तो यह पावर डिलीवर करता है बैटरी चार्जिंग को, लाइटिंग को और इसके साथ साथ कंपेनियन अल्टरनेटर के फील्ड को एक्साइट करता है। जब कंपेनियन अल्टरनेटर जब एक्साइट हो जाता है क्योंकि एक ही अल्टरनेटर के अंदर यह तीनों मेन अल्टरनेटर की 2 वाइंडिंग और कंपेनियन अल्टरनेटर की 1 वाइंडिंग ये पावर डिलीवर कंपेनियन अल्टरनेटर शुरू कर देता है। तो इसका पावर मेन अल्टरनेटर के फील्ड को एक्साइट में और हमारे जो है उनको यह पावर सप्लाई करता है और इस तरह से हमारी ऑग्जिलरी जो है स्टार्ट होती है। और इसके बाद जब मेन अल्टरनेटर एक्साइट होकर के पावर डिलीवर करता है तो चूंकि मेन अल्टरनेटर में यह पावर DC मोड में होता है, इस DC मोड को हम अगेन लाते हैं TCC के अंदर और इस TCC के अंदर पावर यह है 3 फेज में कन्वर्ट होकर के ट्रैक्शन मोटर्स को फीड होता है। तो 2 नंबर ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर होते हैं जो डीजल इंजन के द्वारा अल्टरनेटर के पावर को 2 पाथ में ले जा करके ट्रैक्शन मोटर्स को फीड करते हैं। ऑक्सिलरी जनरेटर का कंट्रोल और बैटरी चार्जिंग का एक तरह से हमारा इंटरफेस दिखाया गया है। इसमें जो हमारा ऑक्सिलरी जनरेटर होता है वो डायरेक्ट कपल्ड होता है। इसका जो रेटिंग है 18 kW 55 V तो इसके द्वारा पावर हम बैटरी चार्जर और इसके बाद
कंपाइनर अल्टरनेटर के फील्ड को एक्साइट करते हैं, और यह जो पावर होता है इसको जब हम रेक्टिफाई करके ले जाते हैं तो रेगुलेटेड ऑक्सिलरी वोल्टेज जो होता है 74 वोल्ट डीसी में हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो इस पावर से हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं और इसी पावर के द्वारा हम कंपाइनर अल्टरनेटर के भी फील्ड को हम एक्साइट करते हैं। तो इस तरह से इसके वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है ताकि 74 वोल्ट डीसी हमें प्राप्त हो। जो डीजल इंजन के डीजल लोकोमोटिव का ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर है, यह भी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 3 फेज एसी पावर मोटर को प्रदान करता है, और जितनी भी कंट्रोलिंग इसमें होती है यानी इन्वर्टर की, वह EM2000 जो कि हमारा ECC1 के अंदर है उसके द्वारा होती है। तो IGBT मॉड्यूल्स होता है इसके अंदर, TCU DC लिंक और कैपेसिटर होते हैं। इस तरह से हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर एक लोकोमोटिव का कहा जाए तो बेसिक हर्ट है जो DC पावर को 3 फेज सिनोसॉइडल बना करके मोटर को सप्लाई करता है। इसका टेक्निकल डाटा है, यह डाटा इनपुट के तौर पर देखा जाए तो 620 से 2600 वोल्ट DC DB करंट DB जो है वह 1200 एम्पीयर DC है। आउटपुट के वोल्टेज फॉर्मेट है 0 वोल्ट AC से 2000 वोल्ट 3 फेज, करंट मैक्सिमम 1100, फ्रीक्वेंसी 0 से 110 हर्ट्ज, DC लिंक कैपेसिटर 7 माइक्रोफैराड और TCU सप्लाई 74 वोल्ट जो ACC1 से प्राप्त होती है। वेट 2400 kg। इस तरह से यह हमारा इसका ब्रीफ टेक्निकल डाटा है। इसके अलावा ECC2 होता है। बेसिकली ECC2 में दो कॉन्टेक्टर्स होते हैं, ST और STA। यह बैटरी से पावर लेकर के बैटरी के पावर को, बैटरी को तो चार्ज भी करता है और हमारी क्रैंकिंग के समय यह स्टार्टर मोटर को एक तरह से कॉन्टेक्ट्स कराता है ताकि क्रैंकिंग हो जाए। तो इसका दो काम है, क्रैंकिंग के समय कॉन्टेक्टर्स को लगाना ST और STA को, और दूसरा बैटरी चार्जिंग करना। इसका ओवरव्यू है जो बेसिकली ये इसमें दिखाया गया, हमारा बैटरी चार्जर है और ये आपका ST और STA कॉन्टेक्टर्स। इस तरह से इसके अलावा ऑक्सिलरी जनरेटर का सर्किट ब्रेकर भी इसमें स्थापित होता है। PCC3 यह मेन रिजर्वायर प्रेशर का जो ट्रांसड्यूसर होता है इसमें होता है। इसके अलावा DIP80 डायोड इनपुट पैनल भी होता है और रेडिएटर कूलिंग फैन के लो और फास्ट स्पीड के लिए कंटेक्टर्स FCF1A, FCF2A, FCF1B और FCF2B प्रदान करता है। इसके अलावा स्लो स्पीड में FCS1, FCS2, इस तरह से यह रेडिएटर कूलिंग फैन को भी कंट्रोल करता है, जिसका कमांड हमारा कंप्यूटर के द्वारा निर्धारित होता है, जो EM2000 में निर्धारित होता है। इसमें भी होटल लोड है। यह होटल लोड जो हम लोग देखे हैं कि यह भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज पर है और 1200 वोल्ट से 2600 वोल्ट के बीच में यह 1050 वोल्ट DC खूब एक तरह से फीड करता है। तो होटल लोड का इसमें भी वही काम है जैसा कि हम 3 फेज AC लोकोमोटिव में देखे। तो इस तरह से इन्वर्टर जो है प्रोवाइड ए सुटेबल आउटपुट सप्लाई जो कि 750 प्लस माइनस 5% 3 फेज 50 हर्ट्ज। होटल लोड कन्वर्टर का जो रेटिंग है KVA में वो 500 KVA है और यह जो है कंपेटिबल है EOG के पावर कार्स के पावर के इक्विवेलेंट। तो होटल लोड कंप्यूटर कन्वर्टर जो है पावर लेता है DC लिंक्स के मार्फत, और जो पावर DC लिंक का होता है वो बक चॉपर के थ्रू होते हुए इन्वर्टर पैनल के थ्रू यह काम करता है। तो इनपुट पावर हमारा जो है 1050 वोल्ट DC का है और इस तरह से यह 750 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज पे आउटपुट सप्लाई प्रदान करता है। हमें स्टार्टिंग करने के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो थ्रॉटल हैंडल यानी जो हमारा थ्रॉटलिंग के लिए मास्टर कंट्रोलर का जो हैंडल है इसको आइडल पे, रिवर्सर हैंडल सेंट्रल पोजीशन में, स्विचे जो आइसोलेट स्विच है वह आइसोलेट पोजीशन में रहें। हम ये इंश्योर करें कि ऑयल लेवल कंप्रेसर में, इंजन लूब ऑयल में और गवर्नर ऑयल में वह जो है प्रॉपर उसका लेवलिंग है। यदि कम रहे तो उसे हम
तुरंत उसको मेकअप करें और उसके बाद प्राइमिंग या क्रैंकिंग कराएं। इंश्योर सफिशियंट कूलेंट वाटर लेवल इन वाटर टैंक और इंश्योर दैट नो वन इज वर्किंग इन कहीं भी, चाहे वो इंजन रूम हो, जनरेटर रूम हो, कंप्रेसर रूम हो, और दरवाजे बिल्कुल बंद रहें। इंश्योर दैट एमयू इंजन स्टॉप बटन इज इन रन पोजिशन। इंश्योर दैट इंजन ओवर स्पीड ट्रिप मैकेनिज्म इज इन नॉर्मल कंडीशन। इंश्योर दैट गवर्नर लूब ऑयल शट डाउन प्लंजर इज इन रीसेट। इंश्योर दैट द पॉजिटिव क्रैंकेस प्रेशर एंड लो वाटर प्रेशर डिटेक्टर रीसेट बटन आर रीसेट। इफ लो वाटर बटन फाउंड इजेक्टेड प्रेस एंड होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स। स्टेप्स टू स्टार्ट इंजिन, यानी क्रैंकिंग कैसे किया जाए, तो क्लोज बैटरी नाइफ स्विच, इंश्योर दैट 800 एम्प्स फ्यूज इज इन राइट पोजिशन, स्विच ऑन ऑल सर्किट ब्रेकर्स, ECC1 पर जितने भी हमारे सर्किट ब्रेकर्स हैं, ब्लैक वाइट या येलो कलर वाले लेवल वाले, वो ऑन हो, स्विच ऑन द कंट्रोल एंड FE स्लाइड स्विच ऑन कंट्रोल कंसोल नंबर 2, दिस अलाउज फ्यूल पंप टू रन, यानी हमारे फ्यूल पंप जो है अब रन करना शुरू हो गए। When FPES switch in fuel prime or engine start position, यानी FPES position के पहले हमारा फ्यूल हर जगह पहुंच गया है। Turn the FPES switch lever to prime और 10 से 20 सेकेंड तक होल्ड करें। इसके बाद ये इंश्योर कर लिया जाए कि कोई बबल्स नहीं है और फ्यूल फ्लोज क्लियर एंड फ्री फ्रॉम बबल्स इन द रिटर्न फ्यूल साइट ग्लास, यानी इसमें कोई बबल्स नहीं दिखाई पड़े। इसके बाद FPES स्विच लीवर को स्टार्ट मोड में रख करके जब तक 200 RPM ना आए तब तक होल्ड रखें, इसके बाद रिलीज करें। आफ्टर होल्डिंग द इंजन RPM अबव 200 RPM रिलीज FPES स्विच, यानी जैसे ही 200 से होता है इसको रिलीज कर दें। चेक लो वाटर प्रेशर डिटेक्टर रीसेट बटन और EPD आफ्टर इंजन स्टार्ट। इफ द डिटेक्टर ट्रिप्स प्रेस कंटिन्यूसली फॉर 15 सेकेंड। इफ द डिटेक्टर इज नॉट रीसेट द इंजन शट डाउन आफ्टर अ शॉर्ट टाइम डिले। अब इस PPT में हम 3-phase इलेक्ट्रिक लोको और डीजल इलेक्ट्रिक लोको के टेक्निकल डाटा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यदि हम देखें तो बेसिकली हमारा 3-phase का 4 लोकोमोटिव है, WAG9, WAG9H, WAP5, WAP7, और WDG4D, WDP4D। केवल WAP5 में हमारा जो एक्सिल अरेंजमेंट है वो है। इसके बाद सभी का गियर रेशियो अलग अलग है। वेट हम देखें तो WAG9 का 123 टन, WAG9H का 135 टन, WAP5 78 टन, WAP7 123 टन और WDG4D या P4D का 130 टन या 123 टन। दोनों में सभी में 6 ट्रैक्शन मोटर एक्सेप्ट WAP5 जिसमें 4 लगती है। पावर ऑफ TM का ये रेटिंग है। तो इस तरह से हमारा जो है 3-phase इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के टेक्निकल डाटा में डिफरेंसिंग है। यदि हम देखें तो होटल लोड जो है बेसिकली WAG9 या WAG9H में नहीं है, इसके अलावा WDG4। लोको ब्रेक्स एक्सेप्ट WAP5 सभी में 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। TF रेटिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग यदि WAG9 में 6531 kV है, WAG9H में भी सेम, WAP5 में 7475, WAP7 में 7475, और इसमें चूंकि डीजल है तो इसमें किसी ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एक डिफरेंस ये भी है। कंपैरिजन बिटवीन 3-phase इलेक्ट्रिक लोकोज एंड, तो ट्रैक्शन एफर्ट बिल्कुल जो है यदि देखें तो इसमें WAG9 में 458, 9H में 520 किलो न्यूटन, WAP5 में 258 किलो न्यूटन, WAP7 में 320.6 और WDG4 540 किलो न्यूटन तथा P40 में 400 किलो न्यूटन। मैक्सिमम स्पीड का ये कॉलम दिखाया गया है। इसी तरह पार्किंग ब्रेक हमारा जो है दिखाया गया है। लोको ब्रेक्स और ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स, तो शुरू शुरू में DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स भी सर्विस किए हैं, जो बेसिकली WCP1, WCG1, WCAG1 एक्सेट्रा। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में WAM1, WAM4 और कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक पैसेंजर वर्जन में हम देखें तो WAP1, WAP2, WAP3, WAP4, WAP6 इत्यादि हैं।
कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स गुड्स में देखा जाए तो WAG-6 भी, WAG-6C, WAG-7, WAG-9, अब जो है अब थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स गुड्स क्लास यानी WAG सीरीज का। तो WAG सीरीज में W का मतलब हो गया ब्रॉड, A का मतलब एसी ट्रैक्शन, G का मतलब गुड्स। तो बेसिकली इसमें WAG-9 है, यह हमारा 6000 हॉर्स पावर का है। इसके बाद WAG-10 जो कि DLW बनाया है, यह कन्वर्जन लोको है 10,000 HP का। WAG-11 भी यह जो है कन्वर्जन लोको है जो कि HHP लोकोमोटिव को कन्वर्ट करके हम लोग बनाया है WAG-9 उसी के बेस पे। और WAG-12 जो एलएसटम ने बनाया है यह 12,000 HP का लोकोमोटिव है। इसके अलावा CLW ने रिसेंटली बनाया है WAG-9HH, यह 9,000 HP का लोकोमोटिव है, 100 kmph इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पैसेंजर क्लास में तो WAP-5 बोबो मॉडल का, WAP-7 हमारा जो है कोको मॉडल, और इस तरह से हमारा लोकोमोटिव्स है। थैंक्स अ लॉट।